जब ये सवाल उठे भी दिवाली तो हिंदुओं का त्यौहार है तो फिर शायद इसनों फिर बंदी छोड़ दिवस के तौर पर प्रसिद्ध किया गया कि नहीं जी गुरु हरगोबिंद साहब से आप दिवाली तो आप नहीं चंगा लगता क्योंकि हिंदुओं की है तो आप एज ए बंदी छोड़ दिवस मना शुरू कर दें। पर दरबार साहब के रागी तो आम बंदे नहीं ना, वो तो विद्वान ने, रागों च भी मारने विद्वान भी ने। और हर साल वह दिवाली की रात दीवे बाली हैं और एक रागी नहीं भाई साहब गाँवदा जिन्हें दिवाली वाले दिन, दिवाली तो एक दो दिन पहला और दिवाली तो एक दो दिन बाद हर रागी वह शब्द गाँवदा है उत्थे दरबार साहब दे विच। कि उत्थों दे जहेदार नूं नहीं पता इस गल का जो तुसी कह रहे हो भी वो अर्थ कुछ होर बनते ने कि जथेदार उत्थों दे मुख ग्रंथी है उत्थों दे रागी सिंह विद्वान ने अपने काम च निपुण ने उन्होंने नहीं पता इस गल का वो हर पढ़ते ने दिवाली की रात दीवे बालियन वार वार गाया जाता है। तो उत्थे जिथे मंजी साहब कथा होंदी है तो दिवाली वाले दिन वो पिछे कैप्शन लाई जाती है दिवाली की रात दीवे बालियन जिमें कहते हैं ना भी मक्के दे विच कुफर तोलना। मैं समझा भी मक्के कुफर तोलिया जा रहा क्यों क्योंकि कई ने ना कार के पिछे लिख के लाया होंगे ए भेदा तेरी दा तार। हुण जे आपां पूरी पंक्ति लईए तो कह केत्या दुख भूख सद मार ए भेदा तेरी दा तार। कोई मंगूगा भी मैनूं दुख भुख दिओ, असीं तां अपनी दातां मंगदे हां ना, कोठियां कारां सुख मंगदे हां ना। मतलब कहिंदा वी एक ने तोड़ ली, उह कहिंदा वी जे 100 भेडां जा रहीआं ने एक अगली भेड़ जो खूज लगी पिछे किन्ने बचियां, वो किसी सियाने ने कहा भी पिछे कोई नहीं बची। क्यों? क्योंकि भेड़ा का की है, जगत की भेड़ा चाल चलते कि पीछे चलें। उहदे च सस्सी पुन्नू दी उदाहरण दिंदे आ, हीर रांझे दी उदाहरण दे के हीर ते उह कहिंदे आ कि अमृत वेले दी उदाहरण दिंदे आ ना, पीर मरीदां पिरड़ी गावन प्रभाती कि जिवें महीवाल नूं सोहणी नात नूं तर के उहनूं मिलण जांदी सी। दुनियावी इश्क की उदाहरण देंगे है ना, फिर सस्सी पुन्नू की देंगे या हीर रांझे की उदाहरण देंगे है ना। पर कहें भी इस तरह जो गुरसिखा इश्क आ जरा पीर मुरीदा पिरहड़ी पिरहड़ी मतलब प्यार जरा जो गुरु नाल प्यार है उन्हों का वह की करते अमृत वेले उठ के उन्होंने गाँवते हैं वो सिरसला करते हैं। हुण जे आप मेहीवाल सोहनी नैतर की सथाई ला लीए तो कित्थे गई गल, इश्क मुश्क की गल होगी, साढ़े मक्के च कुफर नहीं तोलिया जा रहा है। हुण जथेदार सुनते हैं, मैं माफ करना, मैं श्रोमणी कमेटी जां किसी नूं माड़ा नहीं कह रहा, पर फर्ज तो बनता ना कि उन्होंने सामने नक हेठ ये दिवाली की रात की है, जां तां स्पष्ट करन भी हाँ ये दिवाली दीवे बालन नूं कहा गया कि दीवे बालन नूं कहा गया। मैं संगत नूं बेनती करदा सारी नूं भी ये शब्द नूं तुसीं पढ़ो भाई गुरदास दी वार, तुसीं जिहड़ा आईफोन पर भी आ जाता जो गुरबाणी सर्च सारे को है जितों पाठ करते हैं उस भाई गुरदास जी पढ़ जाओ तो सर्च करना तो वह शब्द आ जाएगा, उन्होंने शब्द में सारा देख भी कि ये दिवाली दीवे बालन दाल यदा कोई कनैक्शन है। सत श्री अकाल जी, पंजाब न्यूज़ देख रहे हो तो मैं हाँ सुखबीर सिंह चैना। दर्शको दिवाली आ गई है बिल्कुल नेड़े, तो दिवाली है जिहड़ी वो जिथे धार्मिक वक् वक् धर्मां दे वल्लों वक्खो वक्खरियां मानतावां नाल मनाई जाती है, उत्थे व्यापारी वर्ग का अहम त्यौहार है। सो वक्खो वक्खरे धर्म दे विच वक्खो वक्खरियां मानतावां ने जी। अज साढ़े नाल ने सिख चिंतक भाई बलवीर सिंह जी, इन्हां दे कोलों आपां दिवाली दीआं मानतावां दिवाली दा इतिहास जिहड़ा उहनूं आपां सरवण करना समझना गा। भाई बलवीर सिंह एक ऐसी शख्सियत ने जिहड़ी हर गल नूं गुरबाणी दी कसौटी दे उपर इतिहास दे झरोखे राहीं देखदे ने और हर गल दे तर्क विवेक बुद्ध दे नाल इहनां दा जवाब हुंदा है। सो सारी गलबात आपां इहनां कोलों अड जाणनी है। आओ सब तो पहलां आपां इहनां दा स्वागत करदे हां। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब दिवाली रामचंद्र जी नाल भी
और सिख धर्म के अंदर गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह बंदी छोड़ के नाल भी जुड़ मनाई जाती है। की कहोगे ये बारे? ये देखो जी, दिवाली जिहड़े हिंदू वीर आ क्योंकि इन्हों का बहुत पुराना दिवाली नाल संबंध आ। जदों श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास कट के अयोध्या वास पहुंचे, उस दे संबंध में दिवाली हिंदू वीर वालों पहला मनानी शुरू की गई। तो जितों तक सिख धर्म का सवाल आ, उत्थे ये मन्या गया कि गुरु हरगोबिंद पातशाह दिवाली वाले दिन जदों जहांगीर ने ग्वालियर के किले उन्होंने कैद किया, भी वो दिवाली वाले दिन अमृतसर पहुँचे सन, तो उस खुशी में सिखा ने दीपमाला की ते दिवाली मनाई। पर ये जो आप देखिए तो वख वख विद्वाना दे वख वख राए आ, और एक वड्डी राय है कि गुरु हरगोबिंद साहब दिवाली वाले दिन उत्थे नहीं पहुँचे। एक वखरा विषय तो आप फिर बहुत वड्डी वीडियो बन सकती, क्योंकि उहदे नाल सारियां इतिहासक जिहड़ियां तिथां ने जां इतिहासक जिहड़े स्रोत ने उहनां नूं जदों आपां कोखांगे तां उह एक वखरा विशा बन जाएगा। जिहड़ी अज मैं गल कर लगा दिवाली मनाओ, चलो इहनूं सिख धर्म विच बंदी छोड़ दे तौर ते बंदी छोड़ दिवस दे तौर ते मनाया जांदा, गुरद्वारे समागम हुंदे आ। ते मेरा ख्याल कुछ समा पहला जद तो 30-35 साल पिछे जाइए तो उदों इहनूं दिवाली तौर ते ही मनाया जांदा सी। एक कहावत सी कि दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। तो इस करके क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब अमृतसर दे नाल जुड़िया गया कि आए उत्थे छड के आए है ना, अपने किला छड के जदों 52 राजा नूं रिहा करके आए। तुहाडे कहिण दा भाव भाई साहब यह आ भी पहला सिख दिवाली ही मनाते होंगे सी, बंदी छोड़ दिवस पर नाल सिखां ने जोड़ लिया। ये जदों ये सवाल उठे भी मेरा ख्याल जिहड़ा मेरा मनना कि जदों ये सवाल उठे भी दिवाली तो हिंदुआं दा त्यौहार, तो फिर शायद इसनों फिर बंदी छोड़ दिवस के तौर पर प्रसिद्ध किया गया कि नहीं जी गुरु हरगोबिंद साहब से आप दिवाली तो आप नहीं चंगा लगता क्योंकि हिंदुआं दी है, तो आप एज ए बंदी छोड़ दिवस मनाना शुरू कर दें। पर होर कुछ नहीं बदलिया, सिर्फ नाम चेंज होया है ना। पर उहदे विच जिवें मैं पहला बेनती की कि वख वख विद्वाना की वख वख राय आ कि बंदी जदों महाराज रिहा होकर आए हैं वो दिन नहीं सन, वो वख वख विद्वान ने वख वख ओदियां तिथां दित्तियां ने। नहीं, मूल तौर दे उत्ते किहड़े किहड़े विद्वान ने जिहड़े इस गल नूं मंनदे ने? इहदे विच बहुत सारे, आप खैर फिर मेरा ख्याल ये विशाज आप ना सोईए क्योंकि लंबा हो जाणा। तो असल दे विच मैं जिहड़ी बेनती करना चाहुंदा कि ठीक है एज ए बंदी छोड़ मना लो, कोई गल नहीं, दिवाली एज ए मना लो है ना, क्योंकि एक सीजनल फैसटिवल भी है। ये सीजनल फैसटिवल तुसीं विसाखी हो गया ये मनाते है ना, तो ये हो गया दिवाली हो गया है ना। जिवें गुरु अमरदास पातशाह ने गोइंदवाल साहब तो यह शुरू किया, पहला सब तो पहला विसाखी तो इकट्ठे होने शुरू होए, फिर सिंह अमृतसर दिवाली तो इकट्ठे होंदे सीगे, जिवें हरिद्वार गुरु नानक साहब गए है ना, सो इकट्ठा भी जाते रहे, उन्होंने इकट्ठा वरत्या प्रचारक तौर पर है ना। पर वो मैं अज मेरा ख्याल गल आप ना करिए, मैं जी गल करनी चाहता सी अज के शायद 30-35 साल पहला किसी ने दिवाली की रात दिवे बालियन, दिवाली की रात दिवे बालियन, ये किसी ने नहीं सुना होना शब्द। मैं नहीं, क्योंकि मेरी तकरीबन 50 साल तो उपर उम्र हो गई है, मैं कभी यह शब्द नहीं सुना कि दिवाली की रात। हुण पिछले कुछ सालों तो शायद मेरा ख्याल दविंदर सिंह सोढ़ी रागी उन्होंने शायद सब तो पहला यह कढ़िया सी, क्योंकि हुण जिहड़े रागी नवें आए आ उन्होंने एक नवी दिशा, मैं तो क्योंकि गाउणा वजाउणा ज़्यादा हो गया कीर्तन नालों, क्योंकि कीर्तन का एक सिद्धांत होंदा कि असल विच जिहड़ियां जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब शब्द आउंदे आ उहदे विच ज़्यादातर केंद्रीय भाव जिहड़ा रहा उहदियां पंक्तियां विच हुंदा, ते जे उह आपां कोई पंक्ति होर लै लईए, उदाहरण के तौर पर किते लै लै मुकर पाहे, एक साखी आउंदी आ कि सुथरे शाह रोज़ हलवाई तो लै के खा जांदा सीगा ते दुध पी जांदा सी, तो उहने उहदा उधार दित्ता ना, वह गुरु साहब कोल पेश होया दुकानदार भी महाराज देखो ये मेरे तो लैके खांदा रहा, तो ये असल चो सुथरे शाह एक बहुत तकड़ा चिंतक कह सकते उन्हूं, क्यों उहदी गल विच बड़ी एक जद समझाउण लई ना उहदा एक अपना तरीका सी, ते गुरु साहब उन्हां नूं बुला लिया सुथरे शाह नूं भी भाई की गल तू ये मुकर गया तो पैसे लैके, कहिंदा महाराज देखो गुरबाणी च लिखा किते लै लै मुकर पाए, तो महाराज कहिंदे अगे की लिखा, कहिंदा जी अगे मैं नहीं पढ़ना है ना, अगे कोई होर पढ़ लूगा। सो यही हाल साडा हुण जिन्ने जिहड़े अपने कीर्तनीय सिंह आ, माफ करना मैं खुद कीर्तन करदा,
ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਭ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਲਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਐਕਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਮੇਡੀ ਐਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ, ਉਹ ਭੰਗੜੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਲੈ ਲਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਗੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਚਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੱਕੇ 'ਚ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੇਤਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਗਤੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਤਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤਾਰ। ਕੋਈ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਤੋੜ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 100 ਭੇਡਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਭੇਡ ਜੇ ਖੂਜ ਲਈ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੀਆਂ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ, ਚਲਤੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਜਥੇਦਾਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਥਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਚੱਲਣ ਯੁਗਤ, ਵੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਲਾਏਮਾਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ
सुखफल पाए शब्द संभालियन। तो वह पांच धारणा केड़ियां ने, पहली वह दिवाली की रात ही देंदे आ, दिवाली की दी रात दिवे बालियन कि रात को दिवाली के दिवे बलते हैं पर कुछ चेर बाद बुझ जाते हैं। दूजी तारे जात सनात अंबर पालियन, तारे रात को होंदे आ सवेर नूं गायब, हाँ जी वह खत्म हो जाते हैं, मतलब चलाए मान चलन जुगते का हैडिंग है। तीजी फिर वह कहते हैं कि दिवाली की रात दिवे बालियन, तारे जात सनात अंबर पालियन, फुलां दी बागात चुन चुन चालियन, फुल पैदा होंदे आ वो तोड़ ले जाते शाम नूं जां खत्म हो जाते वैसे भी मुरझा जाते है ना। तो फिर वो चौथी धारण देंदे आ वो कि तीर्थ जाति जात नैण नहालियन, तीर्थां ते लोग कट्ठे होंदे आ, मेलियां च लोग कट्ठे होंदे आ, ग्रुप कट्ठे हो के आउंदे आ ते उहनां नूं देखदे आ असीं, वह भी चले जाते खत्म है ना, मेला खत्म तो कट खत्म। तो चौथी वो पंजवीं उदाहरण देंदे आ कि एक हर चंदौरी कहें है ना, हर चंदौरी होंगी कि आकाश में लगता क्योंकि नगरी बसी उन्होंने है ना, इंद्र की नगरी कहा जाता शायद भी वह होंगी भी खत्म हो जाती है ना, हर चंदौरी झात तो मतलब हर चंदौरी उदाहरण दी है, कहने का भाव भी वह भी चली जाती। फिर अखीरली पंक्ति भाई गुरदास जी कहें गुरमुख सुख फल पाए शब्द संभालियन, भी फिर सुख कि भी ये कोई भी चीज़ जो संसार के सुख ने ये दिवाली की रात के दीवे वाग हाँ जी, ये फुलां दी जिहड़े खिड़न दे मदान उहदे वांग, जां कह लईए मेले ते जिहड़े इकट्ठ होंदे उहदे वांग हां जी, जां जिहड़े रात नूं तारे होंदे आ उहदे उहदे वांग, जां हर चंदौरी वांग सदा स्थिर नहीं है कोई भी सुख। असल सुख जिहड़ा उह शब्द संभालण दे विच आ, नाम जपण दे विच, बाणी पढ़ण दे, गुरु दा उपदेश कमाउण विच आ। सो जदों आपां अच्छा कहण दा भाव पछे तुहाडा इह आ वी पंज उदाहरणां विचों कीर्तनकारा ने एक पंग एक उदाहरण फड़ ली, चार छड़तियाँ, ये कहना चाह रहे हो तुसी? बिल्कुल, अज तो तकरीबन 30-35 साल पहला मोहाली मैं रहिंदा हुंदा सी, असी हरिमंदर साहब जाते हुंदे सीगे, उत्थों एक गुरमुख प्यारे सी उह लैके जाते सी ट्रक संगत नूं कट्ठे होके, तो असी अमृत वेले पहुँचना तो असी अमृत वेले एक रागी हुण पिछे जे उहनां दी उह चढ़ाई कर गए आ, मैं नाँ नहीं लऊंगा उहनां दा, बड़े मशहूर रागी सी, उहनां ने सवेरे सवेरे अमृत वेले दुपहरे दे उत्थे जिहड़ा कीर्तन हुंदा उत्थे उन्होंने शब्द लाया होना महीवाल नूं सोहणी नैतर दी राती। हुण जे उह शब्द दी आपां भाई गुरदास जी दा पढ़ीए तां अखीरली पंक्ति उहदे जिहड़ा केंद्री भाव आ उह इह आ कि महीवाल नूं सोहणी नैतर दी राती, उहदे विच सस्सी पुन्नू दी उदाहरण दिंदे आ, हीर रांझे दी उदाहरण दे के अखीर ते उह कहिंदे आ कि अमृत वेले उदाहरण देते हैं पीर मरीदा पिरड़ी गावन प्रभाती, कि जिमें महीवाल नूं सोहनी नात नूं तर के उन्होंने मिलने जाती सी, दुनियावी इश्क की उदाहरण देंदे है ना, फिर सस्सी पुन्नू की देंदे आ, हीर रांझे की उदाहरण देंदे है ना, पर वो कहिंदे भी इस तरह जिहड़ा गुरसिखा नूं इश्क आ जिहड़ा, पीर मरीदा पिरड़ी, पिरड़ी मतलब प्यार, जिहड़ा जिहड़ा गुरु नाल प्यार है उन्हां दा, वो की करदे अमृत वेले उठ के उन्हूं गाउंदे ने, उहदी सिफ़त करदे ने। हुण जे आपां महीवाल नूं सोहणी नैतर दी सथाई लै लईए तां कित्थे गई गल, इश्क मुश्क दी गल हो गई, साढ़े मक्के च कुफर नहीं तोलिया जा रहा है, किसे ने कोई नोटिस नहीं लिया। हुण जथेदार सुणदे ने, मैं माफ़ करना, मैं श्रोमणी कमेटी नूं जां किसे नूं माड़ा नहीं कह रहा, पर फर्ज तां बनदा ना कि उन्हां दे सामने उहदे नक हेठ इह दिवाली दी रात की है, जां तां स्पष्ट करन वी हाँ इह इहदे च दिवाली दीवे बालन नूं कहा गया, कि दीवे बालन नूं कहा गया, जद ये पंज उदाहरणों एक उदाहरण आ, ये तो सगो नाशमानता की गल की है कि भाई दीवे सदा नहीं रहने वाले, शब्द सदा रहने वाला। भाई साहब तुसी की मानते हो फिर उन्हां नूं ये शब्द का पता नहीं है, जां पता हुंदिया होया किसी होर कारण करके उत्थे वार वार गाया जाता है शब्द? मैं समझदा भी जिहड़ा हुण कीर्तन का जिहड़ा ना, जिवें हर चीज़ का एक बिजनेस बन चुकिया है ना, मैं खुद भी चलो महाराज दी सच्चे पासे कृपा नाल कीर्तन करदा, पर ये बड़ा दुख हुंदा कि जदों इस नूं मैं कहना ये एक पाप आ, गुरबाणी नूं मतलब गलत उहदे लै के अर्थ पेश करना ये बेअदबी आ। आपां एक पासे कहने गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी कीती गई, कि बेअदबी नहीं है, उपदेश तां ये दे रहे आ है ना भी शब्द विच सुख आ, असीं कहने भी दीवे बाल। हुण जदों कोई भी चाहे कोई भी शब्द आ जदों उहदी सथाई जिहड़ी लई जांदी आ लोकां दे मनां ते चढ़ जांदी है,
असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ ਵਗੈਰਾ ਟਿਊਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਤਾਂ ਨਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੋ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਥਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਏ ਇੱਕ ਸਿਵਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜੇ ਪਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਣੇ ਸੌਖੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਗਲੀਆਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵੇਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਰ ਕਰ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਣ ਮਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਥਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਾ ਲਾਓ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਜਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਥਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰਚੰਦੋਲੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗਾਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਦ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ
मैं थोड़ा विशा बदल रहा थोड़े बच्चों पर ना यू यतन करा समझाओ जरूर समझाओ भी सब तो वध जिहड़ा पोल्यूशन है वह दिवाली की रात हुंदा है। सब तो वध जिहड़ी हवा गंदी आ वह दिवाली वाली रात की जाती है। दूजे पास जिहड़े सिख ने वह पवन गुरु कहिंदे ने पवन नूं गुरु का दर्जा दिता गया है हाँ और दरबार साहब की हदूद के अंदर भी आतिशबाजी की जाती है वो बारे तो की ख्याल है। देखो जी ये दुख दियाँ रगा ने साड़िया मतलब बड़ा कई बार मन महसूस जे इस गल सोचते ना बड़े मन महसूस के रह जाते हैं असी रवायत के नाते कुछ गलत चीज़ें साढ़े एंटर कर गई ने हूँ मान लो कोई 50 साल पहला चीज़ किसी ने शुरू करती मैं अज शुरू करती 50 साल बाद रवायत बन जाएगी। हूँ दरबार साहब के हों गुरद्वारा सुधार लहर तो पहला इतिहास पढ़ के देखो गुरद्वारा सुधार लहर का वो की कुछ हों मूर्तियां रखी हुई सी उत्थे अछूतों का अखौती अछूतों का प्रसाद नहीं सी लिया जाता वही तो रवायत ही सी वो रवायत खून नाल खालसे ने अपनी खून नाल धोती खत्म की रवायत यह भी रवायत साड़ी असी देखना भी कोई कोई भी चीज़ है उन्होंने गुरबाणी की कसवटी तो परखना। भाई कान सिंह नाभा का मैं पढ़ रहा मैं एक पुस्तक लिखी सिख सहजधारी तो उस दौरान मैं उन्होंने गुरमत सुधाकर पढ़ी वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा भी जिवें हिंदुओं के है ना भी वेद अखीरला प्रमाण आ सिमरतियाँ शास्त्र सारे अखीर से साडे जिहड़े इतिहासक चीज़ा ने जां जां जिहड़ियां साडियां मानतावां ने जां जिहड़ियां साडियां रवायतां ने उहनूं गुरमत की कसौटी से परखी गुरबाणी की कसौटी से परखीए कोई भी आ कहिंदे भाई गुरदास दियां वारां भी भावें हुण भाई नंद लाल जी दा गधा ही हुण भावें कुछ भी होवे भी उहनूं गुरबाणी की कसौटी से परख के देखो ये साडा अखीरला जिहड़ा उह गुरबाणी आ तो गुरु जब पवन गुरु पाणी पिता कहता तो उत्थे फिर सानू की हक बनता कि असी इनू मतलब रवायत कह के जनू इनू असी गलत चीज़ को प्रमोट करिए। मानते हो भी दिवाली की रात जिहड़ी हैगी उत्थे हवा नू गंदा किया जाता है? देखो बिल्कुल किया जाता और दूजी गल असी तो बंदीश्वर दिवस तौर पर मना रहे हैं। दिवाली तो पहला दी एक हिंदू धर्म का त्यौहार है ना उन्होंने मुबारक आ हर एक हक आ गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक जंजू पिछे अपनी शहीदी दी तो गुरु नानक साहब ने जंजू रद्द किया मतलब ये नहीं है कि वह मनाउन उन्होंने असी असी मैं कहना मिठाई भी दो उन्होंने त्यौहार उन्होंने मुबारकबाद भी दो जे असी चलो मान लीए बंदी छोड़ दिवस बनता नहीं पर चलो मान लीए आप भी बंदी छोड़ दिवस तो बंदी छो असी बंदी छोड़ दिवस का मतलब गुरपुरब हो गया ना गुरपुरब हो गया ना गुरपुरब में असी की करते हैं पटाके भी जाने चाहिए ज गुरु के उपदेश को आना चाहिए ये संगत तो आप छड़ते हैं। अच्छा मेरा अखीरला सवाल वीर जी तुहानू ये गल्लां पता ने दर्शकों पता लग जाएगियां हुण तुसीं दस्से ने अर्थे दे और दर्शको असी तुहानू ये भी बेनती करांगे भाई साहब होरां दी कहण दे उत्ते बिल्कुल ना जायो असी दावा नहीं करदे गल सही कह रहे ने अपने तुहाडे कोले मोबाइल ने मोबाइल कढ़ो ते मोबाइलां दे विच्चों आप उस पंक्ति दे अर्थ तुसीं आप पढ़ो असी किसी गल दा दावा नहीं करदे आप तुसी अपनी खोज करो अर्थ पढ़ो उस पंक्ति दे तुहाडे कोले मोबाइल हैगे ने। अच्छा वीर जी एक मैनू गल लास्ट समझाओ कि जथेदार अर्थ नहीं पढ़ते जां जिहड़े रागी सिंह इन्ने 15 साल तो गा रहे ने कि अज तक उन्होंने अर्थ ही नहीं पढ़े कदे इन्हां दा सानू दस दे पर आपां गल समाप्त कर देंगे। मैं पिछले साल ना जदों दिवाली वाले दिन मैं सवेरे टीवी ऑन किया कीर्तन लाने लई तो पहला ही शब्द जिहड़ा जिहड़े रागी हरिमंदर साहब के जिन्हें रागी जथे के जिहड़े प्रधान ने ना कीर्तन सभा के जो भी है मैं नाम नहीं लैंदा सारी संगत को पता उन्होंने आप ही है ना हो सकता मेरी ये सुन मैं उन्होंने कंटैक्ट करने की कई बार कोशिश भी की चलो नहीं हो सकया कई बार वो कीर्तन च होंदे सी जाना उन्होंने ये शब्द लाया दिवाली की रात दे बालियन हुण जद मतलब गल उ आ गई ना भी हुण जथेदार भी सुनते हैं उत्थे हेड ग्रंथी भी अपने जिहड़े मुख ग्रंथी ने वह भी सुनते हैं वैसे तो असी बहुत वड्डी वड्डी गल्लां करदे आ पर जां तां उह उत्थे समझा देणे दी दिवाली हुण देखो मंजी साहब कथा हुंदी आ उह इहदे शब्द अर्थ करदे कर भी भाई गुरदास जी ने दिवे बालन नूं कहा उस संगत नूं सारा शब्द पढ़ के सुणाउण भी भाई आ देखो भाई गुरदास जी दिवे बालन नूं कहिंदे नहीं मैं उही तां पुछ रहा सी ना पिछे मंजी साहब कथा हुंदी आ पिछले पासे पंगती लिख के ला दित्ती जांदी है पर उह सामणे कथा करन वाला उहदी अर्थ नहीं समझाउंदा कारण की है ये तो हम उन्होंने देखना जी हम मैं तो देखो तुम बेनती की है ना आप संगत को बेनती करते हैं मैं नहीं कहता दिवाली मनाओ राजे राजे मनाओ मिठाइया वंडो जो मर्जी करो है ना
पर कम से कम गुरबाणी के गलत अर्थ में ना लो गुरबाणी वो तो जो गुरबाणी है गुरबाणी रहन दो भाई गुरदास दी वार उस तरह रहन दो उहदा जिहड़ा केंद्री भाव आ शब्द कहना की चाहते उपदेश संगतां नूं दसो मैं सारे पंजा तख्तां दे जथेदारां नूं श्रोमणी कमेटी के प्रधान नूं जिन्ने कर कीर्तनी सिंह उन्होंने बेनती करदा वी तुहाडी देण वाला परमात्मा अपनी शुरत वास्ते जां लोकां नूं गलत पिरत ना पाओ जद है ही नहीं अर्थ है ना मतलब हाँ जे है तो समझा दो मैनू संगत को समझा दो मंजी साहब कथा होनी मैं बेनती करदा भी भाई जिहड़े भी हुण अगे कथाकार आउणे आ भी इस संगत को ये दस देण भी भाई भाई गुरदास जी ने दीवे बालन नूं कहा तो जिहड़े इहदे खिलाफ कह रहे हैं भी इह दीवे बालन नूं नहीं कह शब्द का अर्थ कुछ होर आ भी वह गलत ने कह देण है जी। सो इस करके मैं बेनती करदा कि ये तो आप सिर्फ अज सिर्फ दिवाली का विषय होर कित्थे कित्थे गुरबाणी नूं गलत स्थाई लैके मतलब केंद्रीय भाव तो गलत चले जाता ना जिवें नचण कुदन मन करता वरसा तो कुछ होर जो पूरा शब्द पढ़िए तो कुछ होर ही निकलता विचों है ना तो ये संगत नूं ज्ञान देने की बजाय अज्ञानता वंडी जा रही है। सो मेरी हाथ जोड़ बेनती है भी कि आप पाप अनर्थ ना करिए सिखी का जुलूस ना कढ़ीए। सो भाई साहब तुसीं समां दित्ता तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो दर्शको ये सन भाई बलवीर सिंह जी जिन्हां ने ये गल कही है भी गल दिवाली दे दीवे बालण दी नहीं है गल गुरबाणी दे अर्थ गलत करन दी है भाई गुरदास साहब जी दे केंद्री भाव दे गलत अर्थ करन दी है। सो इन्हां तों असीं जानकारी होर भी लैंदे रहांगे। मैं पंजाब न्यूज़ लई सुखबीर सिंह चैना धन्यवाद।